बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। हम बहुत ही कमाल का जो है जी वो फेस मिस्ट बनाने वाले हैं, यानी कि हमें सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फेस मिस्ट होता क्या है, क्या ये हमारे स्किन के लिए ज़रूरी होता है कि नहीं होता। अगर हमें फेस मिस्ट के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये फेस मिस्ट किस बला का नाम है, क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो ये क्या होता है कि हमारी अगर हम परचेज़ भी कर लेते हैं किसी के कहने पर, लेट्स सपोज इसने कहा, फ्रेंड ने कहा कि परचेज़ कर लो बहुत अच्छा होता है, तो परचेज़ कर ले, लेकिन उसने इंपॉर्टेंस नहीं बताई, उसने बेनिफिट्स नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि ये क्या काम करता है, तो देन उसका कोई फ़ायदा नहीं होना कि वो हमारे कबर में पड़ा रहेगा। और सो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें डिस्कस करेंगे कि फेस मिस्ट क्या है, क्या चीज़ है, क्या बला है, क्या काम करता है हमारे फेस पे, और क्या रिज़ल्ट प्रोवाइड जो है वो क्या रिज़ल्ट हमें प्रोवाइड करता है। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम अपने घर पे फेस मिस्ट बनाएं और उससे फ़ायदा हासिल करें, जैसे कि हम मार्केट में जो है वो परचेज़ कर लें, और सम टाइम वो हमें अकॉर्डिंग टू आर स्किन के वो सम टाइम सूट कर जाता है, सम टाइम सूट नहीं करता। बेस्ट थिंग इज डैट कि हम घर पे बना लेते हैं और उसके रिजल्ट जो है जी वो अचीव कर लेते हैं। आज की वीडियो में हम बहुत ही अमेजिंग वाला फेस मिस्ट जो है वो बनाने वाले हैं, जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने वाला है और आपको बहुत अमेजिंग और कमाल के जो रिज़ल्ट है जी वो प्रोवाइड करने वाले। हम क्या है जी नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करने वाले हैं, साथ में इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होता है जो आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉर्ट आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपके फेस पे रिंकल्स हैं, फाइन लाइंस हैं, एक्नेस हैं, स्कार्स हैं, ब्लेमिश हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम को जो है वो सॉर्ट आउट करेगा। हम बात आते हैं कि फेस मिस्ट को यूज़ किस टाइम करना है, और इसको दिन में किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं आप। दिन में 2 से 3 बार जो है वो फेस मिस्ट को यूज़ कर सकते हो, या जब आप लोगों को फील हो कि आप लोगों की स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल एंड ड्राई लग रही है और एक शाइन और ग्लो जो है वो आपकी स्किन से कहीं खो सा गया, स्किन का जो मॉइस्चर है वो कहीं खो सा गया है, तो देन आप क्या कर सकते हो, फेस मिस्ट को यूज़ कर सकते हो। कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई इसके आपको कोई नुकसान नहीं होंगे, बल्कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी, ब्लश करेगी और एक स्किन हाइड्रेट रहेगी, आपके बहुत अमेजिंग और ग्लोइंग रिजल्ट जो है वो आप लोगों को अचीव होंगे। और इसके सबसे अमेजिंग और कमाल की बात यह है कि इसके इंग्रेडिएंट जो है ना वो बहुत ही मिनूर से हैं और आपके किचन में अवेलेबल हैं, लेकिन इसकी ये तो इसकी सबसे माइनर सी बात होगी, लेकिन इसकी इम्पॉर्टेंट बात पता है क्या, अब कि अब जब मार्केट में इतना कॉस्टली मेकअप फिक्सर परचेज करते हो, तो उसके ऐसा मेकअप फिक्सर के तौर पर भी ये आप लोगों को बहुत अमेजिंग रिजल्ट देगा। अगर आप लोग मेकअप करने के बाद आप इसे यूज़ करते हो तो देन वो एज अ मेकअप फिक्सर के तौर पे काम करते हैं, अगर आप लोग इसे मेकअप से पहले ही यूज़ कर लेते हो तो वो एज अ टोनर आप लोगों के फेस के लिए काम करें। या खैना कमाल की बात, टोनर भी कर रहे हैं और आप लोगों के साथ और आप लोगों की स्किन को एक मेकअप फिक्सर का जो है वो भी रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब हम इसमें सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो है राइस, यानी कि कोरियन ब्यूटी का कितना इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। अगर आप कोरियन ब्यूटी की बात करते हो, ग्लास स्किन अचीव करने की बात करते हो, क्लियर ब्राइट स्किन या ग्लोइंग स्किन अचीव करने की बात करते हो, तो उसमें हम राइस को कभी भी निगलेक्ट नहीं करते। बहुत ही हाई क्वालिटी के जो ब्रांड होते हैं वो अपनी हर ब्यूटी प्रोडक्ट में जो है जी वो राइस को यूज़ करते हैं व्हाइटनिंग के लिए, एंटी एजिंग के लिए, और ये कोरियन ब्यूटी का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। हम बात करें राइस को यूज़ कैसे करना, हाउ टू यूज़ राइस वाटर। अब राइस वाटर की बात आ रही है तो राइस वाटर अचीव कैसे करना है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, बट बेस्ट थिंग इज डैट कि आप राइस वाटर को ऐसे यूज़ करो कि आप हाफ कप जो है वो राइस ले लो, इसको 2 से 3 बार जो है वो आप लोग अच्छे से वॉश कर लो ताकि इसकी डस्ट एंड डर्ट जो भी है इम्प्योरिटीज़ हैं वो सारी वॉश आउट हो जाए। 5 से 6 घंटे के लिए आप लोग उसको कवर करके रख दो, देन आप जो वो मिल्की वाटर जो होगा ना वो है जी आपका एक्चुअल राइस वाटर, क्योंकि उसमें उसकी सारी न्यूट्रिएंट वैल्यू जो है वो आ चुकी होंगी, अब उससे कहते हैं एक्चुअल राइस वाटर। ये हमारा हो गया फर्स्ट इंग्रेडिएंट। सेकंड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं वो है जी लेमन, यानी कि फूड सोर्स ऑफ विटामिन सी। आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइटन अप करता है, ग्लोइंग रिजल्ट प्रोवाइड करता है, फेस से एक्ने स्कार्स, पिंपल्स और पिगमेंटेशन को, ब्लेमिश को रिमूव करता है। और थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जी वो है एलोवेरा जेल, कमाल के इंग्रेडिएंट है। आप इसमें क्या होते हैं, सूदिंग हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसके साथ सूदिंग इफेक्ट आप लोगों की स्किन को प्रोवाइड करता है। अब क्या करना है, आप लोगों ने जो राइस वाटर लिया था अब आपने इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड जूस के ऐड करने हैं, देन 2 टेबल स्पून जो है जी आप लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हो एलोवेरा जेल। अब ये है वो हमारा फेस मिस्ट जो आप लोगों को अमेजिंग कमाल के रिजल्ट प्रोवाइड करने वाला है और एक ग्लोइंग और वाइटनिंग इफेक्ट जो है जी वो आप लोगों को अचीव होने वाला है। आपने इसको अच्छे से मिक्स करके स्प्रे बॉटल में डाल लें, देन आप इसको दिन में किसी भी टाइम, यू कैन यूज़ एनी टाइम, आप दिन में 2 से 3 मिनट में से यूज़ कर सकते हैं अपना फेस जो है वो वॉश करके और एज अ मेकअप फिक्सर। तो ये आप लोगों को रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है, साथ इसके
स्किन टोनर का भी काम कर रहा है। और ये है जी आज का वो हमारा फेस पिंक, जो कि स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जिसको हम जिसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होती कि फेस मिस्क होती क्या चीज़ है, ये क्या रिजल्ट प्रोवाइड करता है। रिजल्ट आप लोगों के सामने प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि एक्नेस को रिमूव कर रहा है, स्कार्स को ख़त्म कर रहा है, ब्लेमिश को रिमूव कर रहा है, आपको कोरिंग ग्लास स्किन दे रहा है, ब्राइट स्किन दे रहा है, वाइटनिंग स्किन दे रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। आई यू कैन से इन अ नेचुरल यू कैन से डैट के आपकी स्किन की सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर रहा है एक फेस पिंक, जो कि बहुत ही माइनर से इंग्रेडिएंट है लेकिन पावरफुल न्यूट्रिशन वैल्यू है जिनको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते। आई होप सो कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल मेक इट, और डेफिनेटली बनाना भी बनता है जनाब। अगर आप लोग फेस पिंक अप्लाई करोगे तो आप लोगों को कुछ भी दूसरी चीज़ें कोई इतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट फेस मिस्क यूज़ करो। उसके बाद जो भी आप लोग फेस मास्क कर रहे हो, जो भी आप लोग चीज़ें यूज़ कर रहे हो, वो आप लोग यूज़ कर सकते हो और बहुत ही अमेजिंग और क्लियर ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हो। आई होप सो यू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।